हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे ऊंची रेल ब्रिज के बारे में, जो कि है चेनाब रेल ब्रिज। चेनाब ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में किया जा रहा है और यह एक आर्च ब्रिज है और इसका निर्माण जम्मू बारामूला रेलवे लाइन सेक्शन पे किया जा रहा है। जम्मू तवी टू बारामूला वाया उधमपुर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, बनिहाल, अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी वर्तमान में निर्माणाधीन है। यह एक सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। इसकी कुल लंबाई 356 किलोमीटर है और यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द चैलेंजिंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में आता है, क्योंकि इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का एलिवेशन 327 मीटर से 1590 मीटर के बीच वैरी करता है। और इसी रेलवे लाइन सेक्शन पे वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा रेलवे टनल पीर पंजाल रेलवे टनल भी स्थित है और इस टनल की लंबाई 11.215 किलोमीटर है और यह एक ऑपरेशनल रेलवे टनल है। जम्मू तवी उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का लगभग 70% से ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। और वर्तमान में इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर कटरा टू बनिहाल 111 किलोमीटर खंड पर निर्माण कार्य चल रहा है और वर्तमान में इसी खंड पर चेनाब नदी के ऊपर महत्वाकांक्षी चेनाब रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इस रेलवे ब्रिज को बक्काल और कौड़ी गांवों के बीच बनाया जा रहा है, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चेनाब रेल ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है, अर्थात 1.315 किलोमीटर। और चेनाब ब्रिज की एक खास बात यह है कि इस ब्रिज की चेनाब नदी से ऊंचाई लगभग 359 मीटर है, जो कि आइफल टावर से भी ऊंचा है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। जम्मू तवी उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बन जाने के बाद जम्मू कश्मीर की रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में टूरिज्म के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यह रेल लाइन प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रेलवे लाइन LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तानी सीमा के काफी नजदीक है। अतः भारतीय रेलवे द्वारा मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स, इक्विपमेंट्स, आर्टिलरीज इत्यादि साजो सामान का ट्रांसपोर्टेशन काफी तेज गति से हो पाएगा। इस प्रकार इस रेलवे लाइन के पूरी तरीके से निर्माण के बाद हमारे देश की सैन्य सुरक्षा और सशक्त होगी और भविष्य में इस रेलवे लाइन को कुपवाड़ा तक एक्सटेंड किया जाएगा। इतना ही नहीं, श्रीनगर से एक खंड जो कि करगिल होते हुए लेह तक जाएगी भविष्य में प्रस्तावित है। अब चेनाब ब्रिज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले फैक्ट्स भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। चेनाब ब्रिज के निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2002 में की गई थी। इसी वर्ष जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। वर्ष 2004 में चेनाब ब्रिज के निर्माण कार्य का टेंडर जारी किया गया और अगस्त 2004 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। चेनाब ब्रिज का वास्तविक डेडलाइन दिसंबर 2009 था, लेकिन सितंबर 2008 में स्टेबिलिटी और सेफ्टी के इशू को लेकर इस परियोजना को रोक दिया गया। वर्ष 2010 में इस ब्रिज का निर्माण कार्य फिर से रीस्टार्ट हुआ। अब इस परियोजना को पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2015 रखी गई और इसके निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया, लेकिन फिर से कुछ वर्षों बाद इसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया। अंततः जुलाई 2017 में इसके निर्माण कार्य को फिर से रिज्यूम किया गया और नवंबर 2018 से इसके निर्माण की गति को भी तेज कर दिया गया। वर्तमान में चेनाब ब्रिज का लगभग 90% के आसपास काम कंप्लीट हो चुका है और अब इस ब्रिज का डेडलाइन दिसंबर 2021 है। अगर बात करें चेनाब ब्रिज की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो इस ब्रिज के डेक की हाइट चेनाब नदी से 359 मीटर है। यह एक आर्च ब्रिज है जिसके निर्माण में स्टील और कंक्रीट मटेरियल का यूज किया गया है। इस ब्रिज के अंतर्गत टोटल 17 स्पैन्स का निर्माण किया गया है, जिसमें लॉन्गेस्ट स्पैन की लंबाई 467 मीटर है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है। इस ब्रिज के आर्च स्पैन की कुल लंबाई 467 मीटर है और आर्च की कुल लंबाई 480 मीटर है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इतना ही नहीं, यह इंडियन ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का सबसे वाइडेस्ट स्पैन ब्रिज है। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट एक सिंगल ट्रैक रेल लाइन प्रोजेक्ट है, लेकिन भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए चेनाब ब्रिज को डबल ट्रैक रेलवे लाइन ब्रिज के रूप में निर्माण किया जा रहा है। चेनाब रेल ब्रिज की कुल चौड़ाई 14 मीटर है
और इस ब्रिज का निर्माण 120 वर्ष लाइफ स्पैन के लिए किया जा रहा है। अतः इस ब्रिज के कारण जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा। अगर बात करें इस ब्रिज के मजबूती की तो यह ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं में भी अटल रहेगा। इसके साथ ही यह ब्रिज भूकंप रोधी भी होगा और भूकंप के तेज झटकों को भी आसानी से सहलेगा। यह ब्रिज रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप पर भी खड़ा रहेगा। इस ब्रिज में इस्तेमाल किया गया स्टील -20 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी आसानी से झेल लेगा। पैसेंजर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए इस ब्रिज में 63 मिलीमीटर मोटी स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इस ब्रिज के पिलर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी प्रकार के विस्फोट को आसानी से सह पाए। अतः यह ब्रिज किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े आतंकवादी बम ब्लास्ट या अन्य बम ब्लास्ट को भी आसानी से झेल लेगा। अगर अन्य सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस ब्रिज में ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में पैसेंजर्स और ट्रेन को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस ब्रिज में आम नागरिकों के लिए आवागमन की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि गांव वाले काफी आसानी से इस ब्रिज को पार कर सके। इसके लिए इस ब्रिज में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। इस ब्रिज को स्पेशल कोरिजन रेजिस्टेंट पेंट द्वारा पेंट किया जाएगा, जो कि 15 वर्षों तक चलेगा। चेनाब रेल ब्रिज के स्ट्रक्चर के निर्माण में करीब 25,000 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग किया जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 46,000 घन मीटर कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा और 80 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य किया जाएगा, जिसको एक्सकावेशन या उत्खनन कहते हैं। इस ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर 130 मीटर लंबा और 100 मीटर ऊंचा दो पाइलंस से, जो कि इस ब्रिज के दोनों छोरों पर बना हुआ है, केबल्स द्वारा सपोर्टेड है। इस ब्रिज के मैसिव आर्च शेप्ड स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लगभग 5,462 टन स्टील का उपयोग किया जाएगा और इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन संभव हो पाएगा। इस पूरे ब्रिज में 530 मीटर लंबा अप्रोच ब्रिज और 785 मीटर लंबा आर्च ब्रिज सम्मिलित है। फिनलैंड बेस्ड WSP ग्रुप और जर्मनी बेस्ड लियोनहार्ट एंड्रा एंड पार्टनर्स यह इस प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट कंपनी है। VCE कंसल्ट JT GmbH कंपनी ने इस ब्रिज के लिए पाइलंस का डिजाइन किया है। योखुम एंड्रिया सिल ट्रांसपोर्टे ने इस ब्रिज के पाइलन के लिए केबल को इंस्टॉल किया है। एक्सो नोवेल ने इस ब्रिज के लिए पेंटिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। AECOM को इस ब्रिज के डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के टेक्निकल गाइडेंस और मॉनिटरिंग सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एम्बर्ग इंजीनियरिंग ने इस प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट तैयार किया है एंड द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। यह एक ऑल वेदर ब्रिज होगा और इसके निर्माण में लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये था चेनाब रेल ब्रिज के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हमारे देश में बन रहे 20 ब्रिजेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिए गए आइकन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।